मज़ा आया। ओके, वीडियो में बहुत ही कमेंट आ रहा था भाई न्यू बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग की वीडियो अपलोड करो। सो फाइनली आज जबकि भाई वो वीडियो लेकर आ चुका है। मजा आएगा ना वीडियो। आपको क्या करना होगा भाई, देखो वीडियो बड़ा नहीं है, छोटा है, प्लीज एंड तक देखना और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। आपके डिवाइस के अनुसार बेस्ट सेंसिटिविटी सेटिंग पता चल जाएगा। और जो जो सेंसिटिविटी सेटिंग आपको बताऊंगा ना भाई, एक बार रख लेते हो, उसके बाद बंदे को इजिली टपाटप हेडशॉट दे पाओगे। पहले से आपका हेडशॉट में बहुत चेंजेस देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो शुरू करने से पहले सब भाई के पास एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जो भैया मेरे चैनल में पहली बार आ रहे हो ना, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपका जो भाई है ऐसा ही नया नया टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो लाता रहता है। चलिए शुरू करते हैं आज की टिप्स एंड ट्रिक्स। सबसे पहले आपको एक सीक्रेट हैंडकैम वीडियो दिखाऊंगा भाई, ये वीडियो अच्छे से फॉलो कर लेना। देखो भाई मैं जनरल सेंसिटिविटी पूरा कम रखा, कम रखने के बाद मूवमेंट कर रहा हूँ, बहुत स्लो स्लो मूवमेंट हो रहा है। क्या चल रहा है शमशेर सिंह जी, देखते जाओ बस। उसके बाद मैं जनरल सेंसिटिविटी पूरा 100 रखा। 100 रखने के बाद देखो मूवमेंट कर रहा हूँ, पहले से बहुत हाई मूवमेंट हो रहा है। देखो भाई सेंसिटिविटी सेटिंग में ये जो जनरल है ना, जनरली है आपका मूवमेंट और सुपर फास्ट ड्रैग हेडशॉट मारने का इंपॉर्टेंट सेटिंग। अब 2 GB रैम की डिवाइस में गेम प्ले करते हो या 12 GB रैम की डिवाइस में गेम प्ले करते हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा भाई। ये जो जनरल है ना, जनरल ऑलवेज 100 रख के गेम प्ले करना। 100 रखने से क्या होगा, आपको तो प्रूफ के साथ दिखाया, ठीक है। एक तो आपका मूवमेंट बहुत हाई हो जाएगा और बंदे को सुपर फास्ट ड्रैग हेडशॉट दे पाओगे। और उसके नीचे जो रेड डॉट है ना, रेड डॉट को पूरा 100 ही रखना। 100 रखने से क्या होगा, सुपर फास्ट एमलॉक कर पाओगे। आपके पास कोई सा भी रैम की डिवाइस है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 2 स्कोप को पूरा 100 ही रखना। और ये जो 4 स्कोप है ना भाई, 4 स्कोप को 95 तक रखो, उससे ज़्यादा मत करो, नहीं तो थोड़ा रिक्वेल देखने के लिए आपको मिलेगा। 95 तक रखो, 4x लगा हुआ गन से सुपर फास्ट ड्रैग हेडशॉट दे पाओगे, जिससे मैं इनस्कोप ड्रैग हेडशॉट दोगे ना, इजीली हेडशॉट लगा पाओगे, गन में रिक्वेल नहीं होगा। जो जो भैया लो एंड डिवाइस में गेम प्ले करते हो, स्नाइपर स्कोप को 45 तक रखना, आपके डिवाइस में स्नाइपर गन बहुत स्मूथली चला पाओगे। और जो जो भैया हाई डिवाइस में गेम प्ले करते हो, स्नाइपर स्कोप को 35 तक रखो, आपके डिवाइस में स्नाइपर गन बहुत स्मूथली चला पाओगे या कंट्रोल कर पाओगे। लास्ट पॉइंट है फ्री लुक। देखो जो जो भैया लो एंड डिवाइस में गेम प्ले करते हो ना, फ्री लुक को 75 तक रखना। जिस समय आई वाला बटन यूज़ करके कैरेक्टर को इधर उधर घुमाओगे, बहुत ओपी लेवल की मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और जो जो भैया हाई डिवाइस में गेम प्ले करते हो, फ्री लुक को 60 तक रखना। आई वाला बटन यूज़ करके कैरेक्टर को इधर उधर घुमाओगे ना भाई, बहुत ओपी लेवल की मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। ये जो फ्री लुक सेटिंग बताया, इससे ज़्यादा करना चाहते हो तो भाई आपकी मर्जी, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जो जो सेंसिटिविटी सेटिंग बताया 100% वर्किंग है, आप एक बार ट्राई करो, पहले से अच्छा रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। हेडशॉट में बहुत चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। सीक्रेट टिप्स, देखो भाई आप सेंसिटिविटी हाई रखते हो, हाई रखने के बाद आपको लगता है सेंसिटिविटी कम है, ठीक है, वहाँ पर आप DPI लगा सकते हो। और DPI के ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बता देना, हाँ भाई DPI के ऊपर वीडियो चाहिए। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।